हेलो दोस्तों, तो आज मैं कर रही हूँ पेंटिंग। आज है मेरा हॉबी डे, तो चलिए करते हैं कुछ तूफ़ानी। तो मैंने ये टेप ले लिया है, उसे चारों तरफ इस कैनवस पे लगा दिया है ताकि ये एक अच्छा सा लुक आएगा। एजेस पे पेंट नहीं रहेंगे और पेंटिंग इसके बीचों बीच होंगी। तो ये रहे मेरे थोड़े पेंट्स एंड ब्रशेस। तो आज मैं एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग करने जा रही हूँ। उसके लिए मेरे पास ये सारे एक्रेलिक पेंट्स हैं। ये देखिए मेरा सेट। और करते करते ऐसे देखने में लगता है कितना सारा है, बट जब करते जाओ ना, कोई आपका कोई फेवरेट कलर सबसे पहले ख़त्म हो जाता है। तो इस सिनेरियो में मेरा रेड, ऑरेंज, वाइट, ये सब ख़त्म हो गया और जो भी है उसी से काम चलाना पड़ रहा है। तो फिलहाल आई थिंक आज के लिए इनफ होगा, क्योंकि कैनवस उतना बड़ा नहीं है। तो ये देखिए, मैं इसमें एक 3D इफ़ेक्ट भी देने वाली हूँ एंड कुछ ऐसे ही जो मन में आया वो कर रही हूँ। ऐसा देयर इज़ नथिंग कि मैं कहीं का कुछ फॉलो कर रही हूँ और एनीथिंग, दैट्स इट। अलग अलग कलर को ऐसे ड्रॉप कर रही हूँ, फिर उसके बाद अपने स्पून, उसको क्या बोलते हैं यार, स्पैटुला काइंड ऑफ एक होता है, मैं अभी दिखाऊंगी आपको, उससे मैं फिर स्प्रेड करूंगी। तो पहले तो सारे कलर्स कैनवस पे डाल लेते हैं। मेरे माइंड में एक इमेज है, मैं उसी को आज कैनवस पे उतारने वाली हूँ। तो बस जितने भी कलर्स हैं वो सब लाइक अ डॉट डालते रहो। ये बहुत ईजी है और जब पूरा बन के रेडी होगा ना, तब आपको पता चलेगा अच्छा लग रहा है, अच्छा लगेगा। तो बस ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते रहिए डालते रहिए। आपके पास जितने भी कलर्स हैं वो सारे कैनवस में डाल दो एंड मेक इट कलरफुल, जैसे आपकी लाइफ कलरफुल है वैसे अपनी पेंटिंग को भी कलरफुल बना दो। तो ये देखिए, इस तरह मैं ऐसे ऐसे थोड़ा सा टैप कर दे रही हूँ, थोड़ा सा स्प्रेड कर दे रही हूँ, एक शेप दे दे रही हूँ। एंड जो आप देखेंगे जो ऊपर से कलर है, मुझे लगता है ना इसे मुझे पोंछना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि पहले का कलर स्प्रेड हो रहा है। तो आई थिंक आई शुड, तो पहले सारे सेम कलर के कर देती हूँ, जैसे अभी फ़िलहाल मैं रेड कर रही हूँ, फिर उसे क्लीन करके फिर मैं दूसरा कलर करूँगी ताकि एक का कलर दूसरे में ना आए। और ये एक टेक्सचर देगा पेंटिंग को, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं पूरा नहीं फैला रही हूँ, पूरा नहीं स्प्रेड कर रही हूँ, एक छोटा सा हल्का सा शेप दे रही हूँ। एंड जब आप पेंटिंग को ऊपर से छुएंगे तो यू विल हैव दैट 3D इफ़ेक्ट। मुझे वैसे पेंटिंग्स बहुत अच्छे लगते हैं जिसमें टेक्सचर की फीलिंग आती है। तो ये देखिए, और तो ऐसे ही बस प्रेस करते जाइए, बीच बीच में कलर्स डालते रहिए, मेक इट लुक डेंस। मैं ये जितना भी बीच में वाइट दिख रहा है ना, वो सब कुछ कवर करने वाली हूँ अपने हर एक मनपसंद कलर को डालते हुए एंड सेम एक ही डायरेक्शन में। आई एम ट्राइंग कि एक ही डायरेक्शन में मैं प्रेस करूँ। और ये देखिए कैसे डेंस, ऑलमोस्ट ये बन के तैयार हो गया, बस थोड़ा सा और है। बट देखिए कितना कलरफुल लग रहा है, दिस इज़ माय एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग। तो अब मैं क्या करूँगी, जो नीचे जो वाइट पोर्शन है उसे भी मैं वाइट से कलर कर देती हूँ, वहाँ पे भी थोड़ा सा टेक्सचर ऐड करते हैं। तो ये रहा अपना वाइट एक्रेलिक कलर, उसे भी स्प्रेड कर दो एंड देन नाइफ से स्प्रेड कर देंगे। तो ये अच्छी तरह डाला है मैंने, काफ़ी ज़्यादा, एंड देन नाइफ से स्प्रेड करूँगी। ये वाला मैं नंबर 4 यूज़ कर रही हूँ। ये आपको अमेज़ॉन में मिल जाएगा बहुत ईजीली, एक सेट मिलता है आई थिंक 5 या 6 का विद डिफरेंट डिफरेंट साइजेस। एंड आप इस तरह स्प्रेड कीजिए एंड एकदम प्लेन नहीं करना है, एकदम स्मूथ नहीं करना, एंड थोड़ा सा ऊपर के कलर के साथ ब्लेंड कर देना सो दैट ये कनेक्टेड लगे। एंड दैट्स इट, ये मेरी आज की सिंपल
yet interesting, very colorful, abstract 3D painting बन के तैयार हो गई है। अब इसके लिए मैं एक अच्छा सा प्लेस ढूंढूंगी और उसे लगाऊंगी। तो बस इसे फिर थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए रख दीजिए, अबाउट 2 to 3 hours, एंड दैट्स इट, द पेंटिंग इज रेडी। तो आज का मेरा हॉबी डे हुआ कंप्लीट। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मेरी पेंटिंग कैसी लगी। बाय बाय।